नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजी टेक और आज की वीडियो में आपके लेके आया हूँ Acer Aspire 3 का गेमिंग रिव्यू। इससे पहले मैंने Acer Aspire 3 का अनबॉक्सिंग टाइप की एक वीडियो डाली थी, उस पर आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हम उसमें गेमिंग में खेलेंगे GTA 5, जो एक काफी हैवी गेम माना जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70+ GB का गेम पड़ता है डाउनलोड होने के बाद। तो ज्यादा टाइम पर बात ना करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, गेम मैंने शुरू कर दिया है, गेम को लोड होने में अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट लगते हैं। बाकी मैंने इसमें आपको जिस मिशन पे मैं अभी था, प्रेजेंटली मैं ज़्यादा नहीं खेलता हूँ ये गेम, बाकी जिस मिशन पे मैं था मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा इसकी क्लिप, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें आपको कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो इतने गेम लोड होता है, मैं आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। अगर पूरी स्पेसिफिकेशन जाननी हो तो मैंने इसकी एक अनबॉक्सिंग की वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में हर चीज़ बताई है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इसमें हमें 4 GB की रैम, साथ में 1 TB की स्टोरेज मिलती है। इसमें AMD के रेडियन के Vega 3 ग्राफिक्स आते हैं, जो एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं। और इसकी जितना भी मैंने गेम प्ले करा है ये सारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चलाया मैंने, जो कंपनी की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई आती है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, आपके एक एक लाइक की मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और आपके एक एक लाइक से मैं अपने चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैंने एंड में 3 ऐसी टिप बताई है जिनसे आप किसी भी बजट लैपटॉप में एक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस पा पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बजट लैपटॉप के हिसाब से हमें इसमें काफ़ी गुड गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। बस अब यहाँ से आप वीडियो को एंजॉय कीजिए, मैं आपसे फिर कुछ बातें करूँगा जिससे आपको गेमिंग और अपने लैपटॉप के लिए बेटर ऑप्शन या बेटर आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंजॉय करिए, और जो भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी हो कमेंट में ज़रूर कीजिए। My car!
you little shit. You looking for this? New. Very funny. So, Mike, what were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fibers, vitamins, and it don't taste bad. I'll send you the recipe. Anyway, get this. I'm making it. The blender slips, juice goes everywhere. I'm about to clean it up when I find this bag of grass. Big fucking bag. Jimmy's, right? Okay, just that moment, Amanda comes in. Sees me there. I didn't ask for a blow-by-blow of how you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't tease me. Hey, if anyone needs kale, my friend, I'm beyond kale, okay? It's too late for kale and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga. Or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You two chilled out to say my name, you fat slob. You two relaxed, huh? You laid-back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I got 10 years worth of venting to do. The lineup, my friend, is a long way off. Bang, bang. Do what the fuck you want. What? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? What do you come here looking for? I came looking for you. Yes, you did. I know who you are, Michael Townley. You're in a new place with some new friends and some fruity fucking तो habits. जैसे वीडियो एंड की तरफ पहुंच रही है, मैं चाहता हूं मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. ये एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप नहीं है, तो इसमें कुछ आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं. जैसे पीपल कमेंट करते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ही उन्हें फेस करनी पड़ती है जब वो गेम खेलते हैं, और साथ ही साथ इसका फ़ैन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा स्लो पड़ता है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है. इसमें काफ़ी स्मॉल साइज़ का फ़ैन आता है जो रेगुलर कूलिंग के लिए होता है. तो गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने आखिरी में टिप्स दिए उनको थोड़ा फॉलो करें, और एक एक्सटर्नल फ़ैन की किट आती है उसको यूज़ करें. उससे आपका लैपटॉप थोड़ा कूल रहेगा और बैटरी भी आपकी थोड़ी बेटर चलेगी. बट अगर आपको गेमिंग के लिए लेना ही है तो आप अपनी रैम को थोड़ा अपग्रेड कर लीजिए. इस पर 16 GB तक आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद आपको गेमिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. ये बजट लैपटॉप के हिसाब से काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देता है. जैसे कि आप सारे जानते हैं GTA 5 एक बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी गेम है, लोग इसके लिए प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप भी लेते हैं. जो रेगुलर वेज पे गेम नहीं खेलते उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा गेमिंग लैपटॉप है. बाकी जिनको काफ़ी हाई एंड गेम खेलने होते हैं और काफ़ी ड्यूरेशन के लिए खेलने होते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा थोड़े और पैसे खर्च करके एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लें, क्योंकि इसमें आपको सेम एज गेमिंग लैपटॉप की तरह एक्सपीरियंस नहीं मिलता. बाकी अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप काफ़ी सही गेम खेल सकते हैं इसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. Exactly a racer. Look, he went left.
मैं आपको ऐसी तीन टिप्स बताऊंगा जिनसे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा किसी भी बजट लैपटॉप में, फिर वो कोई सी कंपनी का लेनोवो का हो, एचपी का हो या डेल का हो। तो फर्स्ट टिप है कि अगर आपके लैपटॉप में एसएसडी या रैम का अपग्रेड कर सकते हैं आप तो ज़रूर करें, उससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग में। सेकेंड टिप है, अगर जैसे बजट में इतनी कूलिंग के लिए फ़ैन छोटा आता है काफ़ी, और उससे आपके ओरिजिनल फ़ैन का ख़राब होने का खतरा रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑनलाइन आप फ़ैन की किट आती है वो परचेज कर ले, जिससे आपका ओरिजिनल फ़ैन थोड़ा कम यूज़ होगा और उसकी लाइफ बढ़ेगी और आपका लैपटॉप कम हीटअप होगा। और इसी के साथ थर्ड टिप की बात करें, थर्ड टिप ये है, जब भी आप कोई हैवी गेम खेले तो आप कोशिश करें कि उसमें कोई बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप ना खुली हो, जिसकी वजह से वो कई बार लैग करता है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह उसकी जो होती है उनमें लैग करता है वो। तो ये तीन टिप्स से अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होगा किसी भी बजट लैपटॉप में। तो थैंक यू गाइस, इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। मेरी लास्ट वीडियोज पे आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, उस पर 10,000 व्यूज हो गए हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं।